हल्द्वानी के दमुवांदुगा से हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मित्रपुरम कॉलोनी में किराए पर रहने वाली महिला की दर्दनाक हत्या कर दी गई है। महिला का गला रेतकर उसे मौत के घाट उतारा गया है। घटना की खबर के बाद मौके पर एसएसपी सहित पूरी टीम छानबीन में जुटी हुई है। दरअसल दमवांदुगा के मित्रपुरम में नरेश अपनी पत्नी उषा के साथ किराए में रहता था। रोज की तरह वो काम पर गया था। रात में जब वह अपने कमरे पर आया तो कमरे का दरवाजा बंद था। जैसे ही नरेश ने दरवाजे में धक्का मारा तो दरवाजा खुल गया और अंदर उसकी 36 वर्षीय पत्नी उषा की खून से सनी लाश पड़ी थी। नरेश की चीखें निकल गई। आस पड़ोस के लोग चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृश्य मामला रंजिश में हत्या का हो सकता है, क्योंकि घर में अज्ञात हमलावर द्वारा लूटपाट जैसी किसी घटना को अंजाम नहीं दिया गया है। लिहाजा पुलिस हर एंगल से इस मामले की छानबीन में जुटी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। वार्तालाप टीवी, आपका नजरिया, आपकी आवाज।